बच्चों, हम इस पाठ में देखेंगे संचार, परिभाषा और महत्व। संचार क्या है? संचार के तत्व, जिसमें स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर, ये सभी संचार के तत्व हैं। इसके पश्चात हम संचार के प्रकार देखेंगे, सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार एवं जनसंचार। बच्चों, हम संचार, संचार के तत्व और संचार के प्रकार, इसे पढ़ने के बाद जानेंगे जनसंचार की विशेषताएं। इसके पश्चात संचार के कार्य। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जनसंचार के कार्य: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच, ये सभी जनसंचार के कार्य हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट के माध्यम से हमारे भारतवर्ष में जनसंचार माध्यमों का किस प्रकार विकास हुआ है? अंत में हम जनसंचार माध्यमों का प्रभाव जानेंगे। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। बच्चों, इस तरह हम समझ सकते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। बच्चों, क्या हम चुप होकर बैठ सकते हैं? कितनी देर? एक क्षण, एक मिनट या एक घंटा? तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम चुप नहीं रह सकते। इसी प्रकार संचार का जो साधन है, जो संचार है, वह भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ा रहता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, जब तक वह बोलना नहीं सीखता है, तो वह भी किस प्रकार से अपने मन की भावनाओं को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाता है? बिल्कुल सही समझ गए आप, रोने के माध्यम से। छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो ज़ोर से रोने लगता है, उसे कहीं चोट लग जाती है तो भी वह रोने लगता है, या कभी उसके पेट में दर्द होता है या कान में दर्द होता है, तो वो केवल रोने के माध्यम से हमें बता देता है। इस प्रकार जो संचार है, वह उस बच्चे के लिए रोना ही है, वह उस रोने के माध्यम से हम तक अपने अनुभव को पहुंचा देता है। बच्चों, दैनिक जीवन में हम बिना संचार के नहीं रह सकते हैं। वास्तव में संचार हमारे जीवन की निशानी है, और इसे अभी हम एक छोटे बच्चे के रोने के माध्यम से समझ भी चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। गौर से देखा जाए तो सभ्यता के विकास की कहानी और संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। संचार क्या है? हम देखेंगे बेटा, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्ति ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जा सकता है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित,
मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ये हमारी ऑनलाइन कक्षा है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। अब हम संचार के तत्वों को देखेंगे। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और को तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसके बाद संदेश भेजने के लिए एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है भाषा। संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग देते हैं। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि हम जिसे भी संदेश भेज रहे हैं वह भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो। संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे अभी संदेश भेजने वाला आप मुझे समझ सकते हैं और प्राप्तकर्ता आप स्वयं हैं। अब संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य हो सकता है। प्राप्तकर्ता वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है या कोई संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं चलती है। इसमें बहुत शोर भी होता है। यह शोर कई किस्म का हो सकता है, जैसे मानसिक, भौतिक और तकनीकी। बच्चों, अब हम देखेंगे संचार के प्रकार। सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःव्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार एवं जनसंचार। इन संचार के प्रकारों को समझ लेते हैं। सबसे पहले है सांकेतिक संचार। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं तो यह इशारा भी एक प्रकार का संचार है, तो इसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार, जब हम अपने बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं और उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं तो यह मौखिक संचार होता है। अमौखिक संचार, इसे हम खुशी, दुख, प्रेम और डर इनके माध्यम से प्रकट करते हैं। अंतःव्यक्तिक संचार, जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतःव्यक्तिक संचार का उदाहरण होता है। ये हुआ अंतःव्यक्तिक संचार। अब अंतर्व्यक्तिक संचार, इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब दो व्यक्ति आमने सामने आपस में संचार करते हैं, इसकी मदद से हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है कि आप इस तरह के संचार में कितने प्रभावशाली हैं। इसके पश्चात है समूह संचार। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा का समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है।
इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण और संचार का आखिरी प्रकार जन संचार, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जन संचार कहते हैं। बच्चों, जनसंचार के प्रकार देखने के बाद अब हम जनसंचार की विशेषताएं देखेंगे। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं: सार्वजनिकता, व्यापकता, द्वारपालों का नियंत्रण, औपचारिक संगठन एवं प्रतिक्रिया का अभाव या फीडबैक का अभाव। सबसे पहले हम सार्वजनिकता को देखते हैं। जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। द्वितीय विशेषता, व्यापकता। जनसंचार माध्यमों की व्यापकता की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। क्रिकेट का खेल हो या और कोई अवसर, इसे करोड़ों लोग एक साथ देख सकते हैं। द्वारपालों का नियंत्रण। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। औपचारिक संगठन। बच्चों, औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। अगला बिंदु है प्रतिक्रिया या फीडबैक का अभाव। बच्चों, जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। यहाँ विविध प्रकार के सर्वेक्षण या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इसकी लोकप्रियता या आलोचना का पता चलता है। अब हम देखेंगे संचार के कार्य, संचार के क्या कार्य होते हैं। बच्चों, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। कुछ कार्य हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश भी करते हैं। उदाहरण, कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। ये हुआ नियंत्रण। सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने को एक ख़ास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। सामाजिक संपर्क, संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। जैसे हमें कोई समस्या है या हमें कोई चिंता है तो हम अपने किसी मित्र से संपर्क करके उससे बात करके अपनी समस्या का समाधान पाने का प्रयास करते हैं। संचार के प्रयोग से हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार संचार के कार्य हमने देखे, उसी प्रकार जनसंचार के भी कुछ कार्य हैं जिन्हें हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। अगला कार्य है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है।
मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं, जैसे सिनेमा, टीवी, रेडियो, ये सभी मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। बच्चों, अब हम भारत में जनसंचार का विकास देखेंगे। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। समाचार पत्र, पत्रिकाएं। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। बच्चों, दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता से निकला था। भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। दूसरे बिंदु में हम देखेंगे रेडियो। भारत में जनसंचार के विकास में रेडियो की क्या भूमिका है? बच्चों, पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष, लोकहितकारी राष्ट्र के जनमाध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, जो देश की 96% आबादी तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे टेलीविज़न। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर सन 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिसे 200 लोगों ने देखा। सन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में एक विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। धीरे 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 यह बढ़ता गया। रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए थे, लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता है, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है, जिससे हम सभी परिचित हैं।
प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण इसमें मौजूद है और हम जानते हैं कि उसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। यह एक अंतर्क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बहस मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं, आप अपना ब्लॉग बनाकर किसी बहस के सूत्रकार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कवंजरेंस के युग में पहुंचा दिया है। अब हम देखेंगे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। बच्चों, आज संचार प्रधान समाज में हम जनसंचार के माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने बहुत से माध्यम देखे, बहुत से संचार के प्रकार देखे। इसे उदाहरण द्वारा हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। अभी हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत से लोगों ने अपने घर में अखबार को बंद कर दिया, तब वह रोज़ की खबरों से कैसे परिचित होने लगे, रेडियो से, टीवी से या मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सभी क्या हैं, संचार के माध्यम, और इन माध्यमों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जनसंचार माध्यमों ने जहां एक ओर लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आँखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। बच्चों, पाठ को समझ लेने के पश्चात हम आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, इनका उत्तर बनाने में आप सक्षम होंगे। तो आप प्रश्न अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्रश्न एक, संचार माध्यम किसे कहते हैं? प्रश्न दो, जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न तीन, जनसंचार के प्रमुख कार्यों को समझाइए। प्रश्न चार, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? प्रश्न पाँच, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आशा है आप पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करके अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। यह सभी प्रश्न हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके उत्तर लिखने के पश्चात आप समझ जाएंगे कि आपने भी पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है। अगले कालखंड में कुछ नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।